Braids of one woman and her two daughters were chopped mysteriously by unknown persons in Mayapuri area of Delhi, leaving the entire family frightened. As per family, they have registered a complaint. तीन बजे करीब मिसेज उठी टॉयलेट के लिए, टॉयलेट करने गई, टॉयलेट कर गई तो जब तक बेहोश हो, और होश हो क्या, नींद में थी वो, तो नींद में आके देखा तो उसने टॉयलेट करके आई, देखा तो उसके बाल कटे पड़े हैं, और मुझे उठाया उसने, मुझसे कहा उठो, तो मैं उठा हूँ तो देखा कह रहे बाल कट गए मेरे, बच्चों के भी देखो अभी बाल कटे हैं नहीं कटे, तो बच्चों के बाल में देखा कि बच्चों के भी बाल कटे हुए थे। जब भी बच्चा दहशत के मारे वो मतलब उठ ही नहीं पा रहे थे, ना वो जा पा रहे थे, ना कहीं बाथरूम वगैरह कहीं भी वो जा नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया, बुझा के किसी तरह मैंने शांत किया और अब थोड़ा बच्चा ठीक ठाक है। सिमिलर एक्टिविटीज वर आल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम हरियाणा एंड आगरा, वेयर मेनी वुमेन हैव कंप्लेंड ऑफ द हेयर बीइंग चॉप्ड ऑफ व्हाइल दे वर ईदर स्लीपिंग और अनकॉन्शियस। द विलेजर्स हैव स्टार्टेड गार्डिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट द मिस्ट्री। मम्मी ने उठाया तो देखा तो मैंने मेरे बाल कटे हुए थे। कितनी लंबे थे आपके बाल? मेरे बाल यहाँ तक थे, यहाँ तक हो गए हैं। मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे बाल कट गए, मैं सुबह रो भी रही थी काफी ज्यादा। फिर मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, बाल तो आ जाएंगे। फिर काफी समय तक मम्मी और चाची वगैरह ने बात करी, फिर नीचे गए तो काफी मोहल्ले की आंटी वगैरह को दिखाया, तो आंटियों ने कहा कि पुलिस वगैरह पुलिस कंप्लेंट करो। In Agra, a woman was allegedly lynched by the mob after they called her a witch who was involved in cutting hairs of the women.